स्टडी किए हैं, अल्कोहल से हम लोग एसिडिफाइड KMnO4 भी यूज कर सकते हैं। ये सारे डिफरेंट रिएजेंट्स ये हमने पढ़ लिए। मैंगनीज डाइऑक्साइड एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल्स के लिए होता है। उसके बाद रेड हॉट कॉपर ट्यूब, वो वाला हमने पढ़ लिया। फिर हमने एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड वाला पढ़ा अल्कोहल्स के लिए, जिसके अंदर एसीटोन से हम लोग ट्रीट कराते हैं। एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्स से हाइड्रोजन ट्रांसफर होते हैं। इसके बाद हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से दो मेथड्स पढ़े, कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एक ये वाला, और दूसरा मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड ये वाला। तो ये दो मेथड्स हम लोगों ने पढ़े कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपेयर करने के लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, मतलब एल्कीन्स और एल्काइन्स से हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स प्रिपेयर करेंगे। थर्ड तरीका, ठीक है, पहले अल्कोहल्स का पढ़ा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, और अब हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स के अंदर द फर्स्ट मेथड अगर हम लोग ले लेते हैं एल्काइन्स, और एल्काइन्स की करेंगे हम हाइड्रेशन, हाइड्रेशन करेंगे एल्काइन्स की। हाइड्रेशन का ना मतलब ही होता है सिंपली कि हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं एल्काइन के अंदर। ये हमारा बच्चों एल्काइन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन, ठीक है, इथाइन एसिटाइलीन, सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन। तो इसके अंदर जब हम वाटर ऐड करना है, वाटर कैसे ऐड करेंगे, आपको लेना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट मर्क्यूरी सल्फेट HgSO4, ठीक है, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट HgSO4 मर्क्यूरी सल्फेट। तो ये क्या करता है ना, इसका टेम्परेचर भी लिख देती हूँ, 333 केल्विन। ऑल्दो टेम्परेचर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेम्परेचर नहीं पूछता है कोई एग्जाम में, लेकिन अगर वैसे ही बस इंफॉर्मेशन के लिए लिख रही हूँ, एल्काइन के अंदर आपने वाटर ऐड किया तो होगा क्या, ये जो कंपोनेंट जो हमारा जो जिसे हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं ये देता है वाटर। तो आप समझ लो कि एक एच और एक ओ एच ऐड करना है। एच और ओ एच ऐड करोगे कैसे, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। मार्कोनिकोव रूल क्या होता है, कौन बताएगा? पॉजिटिव पार्ट मार्कोनिकोव कम रूल है, हाइड्रोजन वालों के साथ और नेगेटिव पार्ट ज्यादा हाइड्रोजन। नेगेटिव पार्ट जैसे कि OH माइनस एज टू द कार्बन कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम हो। ये वाला तो हमारा सिमेट्रिकल है, इसमें मैं दोनों में एक एक ही है। तो आप सिंपली क्या करो बेटा, एक पाई बॉन्ड को तोड़ना, एक पर H लगा दो, एक पर OH लगा दो। करीना क्या करे, तो डिसेबल एनोटेशन, ठीक है, अच्छा, चलो ये हमारा इस तरह करके हुआ। अब बेटा जब भी आपका जो कार्बन है ना, इन ऑल बोथ है, जिस पर डबल बॉन्ड हो उसी पर OH भी हो, तो उसमें क्या होता है, टॉटोमराइज करा दो, टॉटोमराइजेशन। टॉटोमराइज करना कहते हैं उसको, टॉटोमराइज करने का मतलब होता है कि जो ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को भेज दो यहाँ, और ये डबल बॉन्ड जो है इस डबल बॉन्ड को भेज दो इधर। हम बोलते हैं 1,3 हाइड्रोजन की माइग्रेशन। 1,3 मतलब 1, 2, 3, 1 से 3 पर हाइड्रोजन की माइग्रेशन, 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेशन। तो हाइड्रोजन इधर चला गया और डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 हो जाएगा, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और तीसरा, तो CH3, ये सी डबल बॉन्ड हट गया और डबल बॉन्ड को लगा दो इधर, और इसका एच तो है ही, तो हमारा बन गया एसिटल्डिहाइड या फिर इथेनल, ठीक है। ये हमारा एल्काइन्स की हाइड्रो
हाइड्रेशन करके, हाइड्रेशन का मतलब ही होता है कि आप वाटर ऐड कर रहे हो, एडिशन ऑफ वाटर, वाटर ऐड करने पर आपका एक पे एच लगाओ एक पे ओएच लगाओ और फिर टॉटोमराइज कर दो कि जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड भी हो और ओएच भी हो उस पर सिर्फ डबल बॉन्ड छोड़ो और एच साथ वाले कार्बन पर ले आओ, जिसका डबल बॉन्ड हटाया ना अपने एडजेसेंट वाले का उसको एच दे दो। ठीक है, ये तो था अपना एग्जाम्पल नंबर वन। ऐसे ही बच्चों एग्जाम्पल नंबर टू, ये याद रखना मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग करना है। अगर आपके पास हो प्रोपाइन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और उसकी आप हाइड्रेशन करो यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट HgSO4 मर्क्यूरी सल्फेट अपना सॉल्ट, तो बताओ। अच्छा अब मुझे बताओ कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग करनी है, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग करेंगे हम तो CH3 डबल बॉन्ड CH, बीच वाले कार्बन पे लगाना होगा OH और इस वाले पे आपका H। अब मुझे बताओ टॉटोमराइज करके प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोपेनल आए फिर से सोचो, मैम टॉटोमराइज करके प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों। हाइड्रोजन देना है आपको, इधर O तो वही रहेगा अच्छा ना, एसीटोन। कैसे, 1 2 3, यहां से हाइड्रोजन इधर ले जाओ और डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दो, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दो, एसीटोन। ठीक है, क्लियर, सब लोग को समझ में आया। दिस इज हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर करने का पहला तरीका कि आप उनकी हाइड्रेशन करा दो। अब हाइड्रेशन भी अलग अलग तरीके से करा सकते हैं। जब हम लोग ये ले रहे हैं, ये अपना सिंपलेस्ट वाला वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है जिसके अंदर आपको ये याद रखना है मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन करना है। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे चलूं बच्चों। मैं आज ओके, ये मुझे नए उस पे करना है, चलो कोई बात नहीं, मैं इसका भी आप लोगों को ना PDF शेयर कर दूंगी आफ्टर द क्लास। ठीक है, अच्छा किसी को कुछ पूछना है बच्चों? आई डोंट थिंक सो। मैं वॉल्यूम इंक्रीज करूं क्या, मुझे आवाज नहीं आ रही। नहीं। चलो ओके। मैं नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर चल रही हूँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर टू। हाइड्रोकार्बन्स की ही है, एल्काइन्स की ही है, पर हम लोग कर सकते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, किसी को याद है हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सब इतना चुप चुप क्यों है, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम यस, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कहाँ पढ़ा था हमने? एल्कीन्स के अंदर जब भी हम पानी ऐड करते हैं, एल्कीन्स में जब हम वाटर ऐड करते हैं, तो हमने तीन तरीके पढ़े थे। एक था सिंपली वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, दूसरा पढ़ा था ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन जो कि मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन करते थे, और तीसरा पढ़ा था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग करते थे। थोड़ा थोड़ा आई होप याद आ गया हो। केमिस्ट्री के अंदर, स्पेशली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, उसके अंदर प्रॉब्लम ही यही है। जब भी पढ़ रहे होते हैं ना, उस समय लगता है कि समझ में आ रहा है कि हाँ हाँ आसान है, लेकिन अगर हम लोग रेगुलर रिविजन नहीं करेंगे तो भूल जाता है। तो आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों, रेगुलर रेगुलर रिवाइज करते रहो। जैसे कल की क्लास में ही हाँ कैल्शियम सॉल्ट पढ़ा था, कार्बोक्सिलिक एसिड की कैल्शियम सॉल्ट को डिस्टिलेशन करते हैं, हीटिंग करते हैं, तो वो सारी चीजें रेगुलर रिवाइज करना जरूरी है। लेकिन अगर नहीं करोगे तो भूल जाओगे, मतलब मैं भी भूल जाऊंगी इसीलिए। ठीक है, चलो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई एल्काइन है, जैसे ये मैंने
एक रैंडम एल्काइन ले लिया, इसको हम ट्रीट करते हैं B2H6 डाइबोरेन, साथ में लिया THF, अगर आप लोग को याद हो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ठीक है, और उसको ट्रीट करते थे, लेट मी ड्रॉ द प्रोडक्ट, आपको थोड़ा थोड़ा उससे याद आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3, और इससे इसके तीन लगते थे बोरॉन से, और फिर अगर याद आया हो तो उसके बाद H2O2 पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 से ट्रीट करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाता था CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और ये OH, और फिर से इसको टॉटोमराइज करा देना और ये बन जाएगा CH3 CH 2 C डबल बॉन्ड O CH3। क्या ये समझ में आया? आई होप यस। इधर से हाइड्रोजन, यहाँ पर यस हाइड्रोजन मैम, ले आए, 1 2 3, है ना, और डबल बॉन्ड। एक और एग्जांपल करके दिखाती हूँ बच्चों, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर ना आई शो यू एक, इससे क्या, जैसे मैंने यहाँ पर लिया ब्यूटाइन 2, अगर हम ले लें पेंटाइन, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, और अब मैं ना डायरेक्टली लिख देती हूँ। फर्स्ट स्टेप में हम लोग करते हैं B2H6 डाइबोरेन THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के साथ, और फिर सेकेंड स्टेप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, जब हम करते हैं तो देखो एक पर H लगाना है, एक पे OH लगाना है, ठीक है। सो अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ प्रोडक्ट, या तो आपके पास ठीक है, या तो आपके पास CH2, अब देखो यहाँ पर तो ट्रिपल बॉन्ड है, मैं बोला ये चाह रही हूं कि आप एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाते थे, अब यहाँ पर तो दोनों में से किसी भी कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, तो आपके पास बच्चों ये भी बन सकता है एंड ये वाला भी बन सकता है, ठीक है। क्यों ऐसा बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ना इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है ना इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है, दोनों ही कार्बन में से किसी पर भी हाइड्रोजन नहीं है, तो एक बार ये आप इस पर एक पाई बॉन्ड को तोड़ो, इस पर OH और इस पर H लगा दो, दूसरी बारी इस वाले पे H और इस वाले पे OH लगा दो, ठीक है। सो बोथ द प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, इन दोनों प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। अब मुझे बताओ टॉटोमराइज करके प्रोडक्ट क्या बनेगा इस वाले केस में, ए बताओ ए क्या बनेगा और बी बताओ बी क्या बनेगा टॉटोमराइज करके। सोचो जल्दी से, नाम CH3 बोल CH2 C डबल बॉन्ड दे इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नाम बोल दे बच्चे। अरे डाइथाइल कीटोन। मैं लिखती हाँ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 पेंटेनोन। पेंटेनोन 3, वेरी गुड बेटा, पेंटेनोन 3, और इस वाले में कौन सा बनेगा बच्चे? इसमें पेंटेनोन 4 पेंटेनोन टू, बताया। टू चेन है,
वेरी गुड, ठीक है। सो हमारे पास पेंटेनोन 3, पेंटेनोन 2, और यही वाली चीज आप उसमें भी कर सकते हो। हाँ, जैसे ये वाले थे, इसके अंदर भी आप ऐसे करके, बस ये वाली चीज है कि डायरेक्टली अगर आपको दिख रहा है, अगर टर्मिनल वाला एल्काइन, टर्मिनल का एल्काइन का मतलब होता है कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, मतलब जो ट्रिपल बॉन्ड हो ना वो एंड वाले कार्बन पे हो, उसको टर्मिनल एल्काइन बोलते हैं, टर्मिनल एंड में, yes, है ना। तो टर्मिनल वाला एल्काइन हो तब तो आपके लिए बहुत ही आसान है कि आप जज कर पाओ मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करना है कि एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करना है। अगर आपके पास ऐसा ना दे रखा हो, मतलब जैसे बीच का हो, तो आप बोलोगे कि मैम दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे, बोथ द प्रोडक्ट आर पॉसिबल। प्लीज नोट दिस डाउन, ठीक है। अच्छा, अब ओके, आगे बढ़ रही हूं मैं, धीरे धीरे जने ऐड हो रहे हैं। चलो गुड बच्चों, अच्छा नेक्स्ट। अब लेट्स से मेरे पास ये वाला अल्काइन ले लिया, सबसे सिंपलेस्ट टर्मिनल वाला प्रोपाइन ले लिया। अब प्रोपाइन के अंदर हम वाटर ऐड करें तो देखो, अगर मैं सब अभी मैं वो नहीं लिख रही, रिएजेंट नहीं लिख रही, डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख रही हूँ, तो हमारे पास ना ये बन सकता है CH3, C डबल बॉन्ड O, C पे डबल बॉन्ड O, CH3, एक तो ये बना सकते हो आप, और दूसरा ये बना सकते हो, है ना। ये कैसे बनाया होगा आपने, आपने वाटर जो OH है ना वो इस पे ऐड किया होगा, CH3 C बीच वाले पे डबल बॉन्ड CH2, और फिर वो टॉटमराइज करके ये बना गया। और इस वाले के लिए आपने क्या किया, बीच वाले कार्बन पे H और लास्ट वाले कार्बन पर OH, और यहाँ डबल। और फिर इसको टॉटमराइज करके ये बनाया होगा। अब डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, मैं ये समझाना चाह रही हूं। अभी देखो, जो ये वाला प्रोडक्ट है, आप ये तो बता सकते हो कि ये तो मैम पक्का मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग हुआ एडिशन है कि नहीं। तो अगर मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग हुआ ना एडिशन, तो जो आपका रिएजेंट है इस वाले केस में, वो लिख लो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विथ डाइल्यूट HgSO4, बहुत ही बढ़िया। और इस वाले केस के अंदर एंटी मार्कोनिकोव रूल हुआ, तो उस वाले में लगा दो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एंड द बेस्ट इज इसके अंदर जो होता है ना हमारा, मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ, एच हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये वाला लगा दो, उससे ये बन जाएगा। और स्पेसिफिकली प्रोपाइन के लिए, स्पेसिफिकली टर्मिनल एल्काइन के लिए, अगर आपको इंश्योर करना हो कि पक्का पक्का एल्डिहाइडी बने, कीटोन ना बने, मतलब एंटी मार्कोनिकोव वाले से ही एडिशन हो रहा हो, पक्का पक्का टर्मिनल वाले पे ही ओवच लगे, एल्डिहाइड बन जाए हमारा, तो हम लोग जो है ना इसके अंदर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा देंगे। और एक हम लोग B2H6 THF फर्स्ट स्टेप में, और फिर H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH-, ये आई होप नजर आ रहा हो, बहुत ही वैसा वाला ना लगे कि पढ़ा नहीं जा रहा, थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ, B2H6, THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरा। बच्चों आया समझ में, हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का तरीका, क्लियर एवरीवन। मेरी मैं 2-4 दिन में बच्चों, आई थिंक मेरा क्वारंटाइन पूरा हो जाएगा फ्राइडे तक, तो मैं शायद सैटरडे से आप लोग की क्लास वापस स्टूडियो से लेने लग जाऊंगी। इस वाली क्लास से बच्चों ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होती, समझ में आ जाता है? Yes, ma'am. चलो गुड, आई एम हैप्पी कि आप लोग को डिफिकल्टी नहीं। नेक्स्ट, अब एक बहुत ही इजी सा मेथड, एंड आई एम श्योर आप लोग को आता भी होगा, थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्डिहाइड कीटोन का, तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, दैट इज ओजोनोलिसिस।
ओजोनोलिसिस बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है. हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी एल्कीन, अब मैं बात कर रही हूँ एल्कीन की, अभी तक हमने जो पढ़े थे वाटर का ऐड किया था हमने अल्काइन में ऐड किया था, ठीक है. और वाटर का एडिशन पहले मतलब प्रीवियस चैप्टर में हमने एल्कीन्स में ऐड किया था तो अल्कोहल बना था. अब ऐसे करके याद कर सकते हो, एल्कीन में पानी ऐड करने के तीन तरीके थे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन और H+ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तब हमारा जो है अल्कोहल्स बने थे. यहाँ हम लोग बना रहे हैं एल्डिहाइड कीटो, इन दो मेथड से एल्काइन में पानी ऐड कर रहे हैं. नया तरीका एल्कीन के अंदर हम इसकी कर सकते हैं ओजोनोलिसिस. ओजोनोलिसिस का मतलब ओजोन ऐड कर दो, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ CHCl3, वाटर, जिंक. जिंक लिखा होता है जिससे कि अपना जो है ना एल्डिहाइड कीटोन स्टेज पर ही रुक जाए रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड तक ना जाए, ठीक है. बेसिकली हम लोग ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं. करना क्या है आपको, ऐसा करती हूँ मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ. पहले सिंपली समझो कि हमने क्लोरोफॉर्म ही ले लो सिर्फ CHCl3 ही लिया, तो सबसे पहले बनेगा अपना ओजोनाइड. ओजोनाइड क्या होता है, CH2 है, ये CH2 है, इसको ऐसे ऐसे करके लिखो, और तीन ऑक्सीजन एटम्स है, ये ऐसे, इसको बोलते हैं ओजोनाइड, ठीक है, ये ऐसे डबल बॉन्ड है ना, उसको तोड़ो, एक ओ ऐसे करके लगा दो और एक ओ ऐसे करके लगा दो. फिर हम इस ओजोनाइड को ट्रीट करते हैं वाटर जिंक. इस ओजोनाइड को ट्रीट करने पर आप ऐसा करो, हर कार्बन को एक ओ के साथ निकाल दो. जैसे इस वाले कार्बन को इस ओ को साथ निकाल कर ऐसे कर दिया, ये वाले कार्बन को इस वाले ऑक्सीजन के साथ निकाल दो और ZN को ये O दे दो, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस कार्बन को एक O मिला, तो फिर यहाँ लिख देती हूँ HC OH, और इस कार्बन को एक O मिला तो HC OH और अपना ZN जिंक ऑक्साइड, ठीक है. बट वो तो बाई प्रोडक्ट है, उससे हमें मतलब नहीं. तो हमको मिथेनल, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथेनल फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाएंगे, ठीक है. ये तो लॉन्ग तरीका समझने का, सिंपल शॉर्टकट तरीका बोले तो यहाँ लिख रही हूँ शॉर्टकट तरीका, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, कुछ नहीं करना. जब आपको ओजोनोलिसिस वाले रिएजेंट्स दिखे, ओजोन, वाटर, जिंक, कुछ नहीं करने का, इसको वैसे से करके तोड़ने का और डबल बॉन्ड ओ लगाने का. ओजोनोलिसिस लिखा है, ओके, ओजोनोलिसिस लिखा है तो कुछ मत करो, डबल बॉन्ड को ऐसा तोड़ दो, CH2 डबल बॉन्ड O प्लस इधर वाला CH2 है डबल बॉन्ड O. क्लियरली ये आप जज कर ही लोगे कि HCHO अपना फॉर्मेल्डिहाइड या मिथेनल होता है. आया समझ में? मैं अब इसके बहुत सारे, मेरे को 3-4 एग्जांपल्स मिनिमम करवाने हैं और आप मुझे प्रोडक्ट बताओगे, ठीक है. मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और डायरेक्टली मैंने लिख दिया, हाँ, ओजोन CHCl3 वाटर जिंक, टेल मी द प्रोडक्ट. और पहले वाले में क्या बनेगा बच्चों, आईयूपीएसी नेम बताओ. इथेनॉल और मेथेनॉल. इथेनॉल और मिथेनॉल. CH. HCH. वेरी गुड. और दूसरे वाले में बेटा कर रहे हैं. ओके. ये बनेगा CH
प्लस मैम लास्ट वाले में तो जो ही आपने ऊपर रखा है फर्स्ट वाला वही आएगा आंसर। ए तुम्हारे लिए आसान हो गया, रुको फिर दूसरा दे देती हूँ। यस मैम ठीक है दूसरा दे देती हूँ, फिर तुमको आ गया ना इसका मतलब समझ में, तुम्हें थोड़ा टफ कर देती हूँ। यस मैम है ना, मुझे लगा पता नहीं अभी आया हो ना आया हो, तो थोड़ा आसान रखते हैं। चलो टफ दे रही हूँ, हाँ फिर मैं पक्का वाला टफ दे रही हूँ। चलो लेट्स सी, प्लस सी एच, ऐसा करते हैं फिर नेक्स्ट वाले को नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ। हाँ पहले फटाफट से इसका बता दो, इसका क्या बनेगा? एसीटोन, दो मॉलिक्यूल्स लिख देती हूँ डायरेक्टली, ऐसा करके टूटा। ओके चलो इसको यहां से मिटा देते हैं और हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है ओके, सो ओजोनोलिसिस कर रहे हैं और आपको हमने दे दिया सी एच थ्री, सी एच थ्री डबल बॉन्ड ओ, ठीक है इथेन 1,2-diol और सी एच थ्री सी एच ओ, इन तीनों को ऐड करके आपको ये वाला बताना है, दिस इज ए। अभी बताओ सोचो मैम, इन दोनों के बीच बॉन्ड है ये, ठीक से बना दे वाला, अच्छा नहीं लिख लग रहा देखने में, है ना समझ में नहीं आ रहा होगा। सी एच ओ सी एच ओ, ठीक है इथेन 1,2-diol, एसीटोन है इथेन 1,2-diol और इथेनल, ऐसा करोगे ना जब भी ऐसे करके समझ में ना आए, डबल बॉन्ड हटाकर मतलब ओ हटाकर डबल बॉन्ड के साथ छोड़ दो, ये सी एच टू सी एच ओ है ना, तो इसको सी एच डबल बॉन्ड होगा, यहाँ ये वाला सी एच डबल बॉन्ड होगा और इधर सी एच डबल बॉन्ड है और इधर सी एच सी। अब इनको पास ले आओ, इनको पास ले आओगे आप तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा, सी एच थ्री सी सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच ओ सी एच फिर डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री। देखो आया समझ में, ऐसे से करके तोड़ा तो ये बन गया, ऐसे करके तोड़ा तो सी एच ओ सिंगल बॉन्ड सी एच ओ ये बन गया और ये वाला टूटेगा तो सी एच थ्री सी एच ओ। सिंपल है ना, आया समझ में? यस मैम। चल ठीक है, क्योंकि एक्चुअली ना ये वाली चीज कई बार दे रखी होती है कि ए की ओजोनोलिसिस करके बी और सी और डी ये तीनों बन रहे हैं, बी सी डी आपको बता दी और फिर ए पूछ लेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन ओजोनोलिसिस पे आता रहता है। ठीक है तो अपना मेथड ऑफ थर्ड हो गया हाइड्रोकार्बन से, एक हमने डायरेक्टली एडिशन ऑफ वाटर, फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ओजोनोलिसिस और एक बहुत छोटा सा है ये वाला, सिर्फ मेंशन है बुक में तो मैं इसलिए बता रही हूँ, जनरली ये वाला यूज नहीं होता है, दिस इज वैकर प्रोसेस। वैकर प्रोसेस, वैकर प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, ये वाला स्पेसिफिक है, इथीन लेते हैं और इथीन को हमने, दो एग्जांपल्स लिख रही हूँ, एक इथीन का और एक प्रोपीन का लिखूंगी। इथीन लिया, इथीन को वाटर के साथ ट्रीट किया विद पैलेडियम क्लोराइड PDCl2,
पैलेडियम क्लोराइड लेते हैं और साथ में कॉपर क्लोराइड लिया, एयर या ऑक्सीजन ले सकते हैं एंड वी विल गेट जो इथीन है ना उतने का ही आप एल्डिहाइड बना दो इथेनल, ठीक है। और ऐसे ही एक और मिलते हैं, मतलब बहुत ही स्पेसिफिक है जो वैकर प्रोसेस है, हम लोग इसी के लिए दे रखा होता है और किसी के लिए नहीं लिख रखा बुक में भी, ठीक है। तो ये बस नोट्स कंप्लीट करने के लिए है, इस पर क्वेश्चन नहीं आता है, रेयरली कभी इस पे कोई क्वेश्चन पूछा गया हो तो, वरना कभी नहीं पूछा गया, ठीक है। तो CuCl2 और यहाँ पर आप एसीटोन बना दोगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस पैलेडियम प्लस 2HCl, थोड़ा सा अगर आप समझने के लिए हो, देखो यहाँ पर पैलेडियम प्लस 2 से जीरो ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहे हैं, पैलेडियम की हो रही है रिडक्शन, पैलेडियम अपना रिड्यूस हो रहा है, एल्कीन ऑक्सीडाइज हो गया, एल्कीन ऑक्सीडाइज होकर अपना एल्डिहाइड या कीटोन बना लेते हैं, ठीक है। एल्कीन्स को हम लोग डायरेक्टली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं एल्डिहाइड या कीटोन में बाय पैलेडियम, ठीक है। अब अनदर मेथड, मैं नेक्स्ट उस पे चल रही हूँ, नेक्स्ट पेज पे मेथड नंबर 4, ठीक है, फोर्थ, फ्रॉम जेम डाइहलाइड्स। जेम आपको याद है, जब भी सेम पोजीशन पर एक ही कार्बन पर दो दो हैलोजन हो तो हम उसको जेम जेम डाइहलाइड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास CHCCHCl2, मतलब इसी कार्बन पर दो क्लोरीन एटम्स है, उसको बोलते हैं जेम पोजीशन, जेम डाइहलाइड। और अगर हमारे पास ऐसे करके होते हैं एडजेसेंट कार्बन पे दो क्लोरीन, उसको बोलते हैं विसिनल डाइहलाइड्स। जेम डाइहलाइड्स होता है एक वर्ड और दूसरा होता है विसिनल डाइहलाइड्स, तो हम लोग को यूज करना है जेम डाइहलाइड्स। हमने कोई जेम डाइहलाइड लिया जैसे कि ये, वन वन डाइक्लोरो इथेन, और उसको हम लोग ट्रीट कर देंगे एक्विस KOH से। तो एक्विस KOH क्या करता है, ये के Cl ले लेगा और यहाँ पर OH दे देगा, तो हमको प्रोडक्ट बन जाएगा CH पर OH CH पर OH। अब जब एक ही कार्बन पर दो OH ग्रुप्स हो तो क्या होता है, वाटर का रिमूवल हो जाता है, तो आप यहाँ से एक OH और एक H निकाल दोगे, H और OH निकल के वाटर बन गया, बन जाएगा एल्डिहाइड, तो हमको एल्डिहाइड मिल जाता है, दिस इज एक्वस KOH, ठीक है। सो जब भी जेम डाइहलाइड होते हैं तो हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। हमने चार तरीके से अपने बनाए हैं, सबसे पहले हमने अल्कोहल से पढ़ा था, अल्कोहल की जब भी ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड कीटोन मिलेंगे, अलग अलग रिएजेंट्स के साथ अलग अलग हमारे पास प्रोडक्ट्स मिल रहे होते थे, हमको बस ध्यान रखना है कि अल्कोहल ना बहुत इजीली ऑक्सीडाइज होता है एल्डिहाइड कीटोन में, और वो भी आगे फटाक से ऑक्सीडाइज हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो हमको एल्डिहाइड कीटोन वाली स्टेज पर ही ऑक्सीडेशन रोकनी है। अल्कोहल से बनाया हमने, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ उसके बाद हमने आज की क्लास में हाइड्रोकार्बन से सीखा, और हाइड्रोकार्बन के बाद चौथा तरीका इज जेम डाइहलाइड्स। ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हमने पढ़े, ये पढ़े हैं बच्चों जो जनरल मेथड्स हैं, इन मेथड से हमको एल्डिहाइड भी मिल सकता है और कीटोन भी मिल सकता है। अब जो हम यहां से पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे मेथड्स स्पेसिफिकली फॉर एल्डिहाइड्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली, मतलब सिर्फ
एल्डिहाइड्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमको पढ़ने हैं। अब हम जो है ना, अब जो मेथड्स पढ़ रहे हैं उनसे हम कीटोन्स नहीं बना सकते, उनसे हम केवल एल्डिहाइड ही बना सकते हैं कि हमको सिर्फ एल्डिहाइड ही चाहिए, फॉर्मेल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड यही चाहिए। तो अब हम इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहला नेम रिएक्शन के अंदर, हाँ मतलब जो नेम रिएक्शन वाली कॉपी हो उसमें आप लोग लिख सकते हो, याद रखना है रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन साइंटिस्ट के नाम पर है, रोजनमंड रिडक्शन। इसमें क्या होता है, हम ना एसिड क्लोराइड्स लेते हैं, RCOCl एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड क्या है ना, एक्चुअली जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, जैसे RCOOH, COOH अपना कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन डेरिवेटिव का मतलब ये कि इधर से ये OH हटा दो, OH माइनस हटाया, OH पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, OH माइनस, और वो हटाकर आप कोई हैलोजन लगा दो। हैलोजन कैन बी फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडीन। तो ये जो एक्स लगाया, ठीक है, यानी कि आर सी डबल बॉन्ड ओ सी है, तो इसको हम बोलते हैं एसिड हलाइड, कि एसिड का डेरिवेटिव है और क्या लगाया है, हैलोजन, तो एसिड हलाइड एस, ठीक है। तो हम लोग कोई एसिड हलाइड ले लेते हैं, और एसिड हलाइड या लिख देती हूँ, एसिड हलाइड ले लिया, और एसिड हलाइड की हम करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन जो करेंगे तो देखो हमको रिडक्शन क्या करनी है ना, रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन ऐड करना। अगर हम इस पे हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये अल्कोहल ही बन सकता है, पर हमको अल्कोहल नहीं बनाना, क्योंकि एक HCl निकल जाएगा और बहुत सारे हाइड्रोजन ऐड कर दो तो RCH2OH अल्कोहल बन जाएगा। तो हमको तो अल्कोहल नहीं बनाना है, हमको तो एल्डिहाइड स्टेज पे रोकना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना जो हाइड्रोजन है ना उसको बोलता है तुम उतना ही रिएक्ट करो कि एल्डिहाइड स्टेज पर तक ही रुक जाए रिएक्शन। एल्डिहाइड में एक सेकेंड, यहाँ पर ना ये वाली चीज लिख देती हूँ, अल्कोहल होता है उसकी हम करते हैं ऑक्सीडेशन तो मिलता है एल्डिहाइड या फिर कीटोन, और उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड, और इसकी आगे रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल। तो अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन ऑक्सीडेशन पे, उसकी ऑक्सीडेशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसकी रिडक्शन पर एल्डिहाइड कीटोन, और ये तो जो अपना RCOCl था वो इसी का डेरिवेटिव है, इसकी रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल भी तो बन सकता है, तो हमको चाहिए कि वो एल्डिहाइड स्टेज पर यहीं पर रुक जाए, वो अल्कोहल ना बने, ठीक है। तो यहीं पर हमको रिडक्शन रोकनी है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ ले लेते हैं पलेडियम रिएक्शन अक्कर करवाने के लिए, BaSO4 रिएक्शन अक्कर करवाने के लिए, और ये जो हमारे कैटलिस्ट है उसको हम पॉइजन कर देते हैं विद सल्फर। यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ, पॉइजन्ड विद सल्फर, पॉइजन्ड, पॉइजन मतलब कि कैटलिस्ट के एक्शन को हमने थोड़ा सा रोक दिया, पॉइजन्ड बाय सल्फर और क्विनोलीन, पॉइजन्ड बाय सल्फर या क्विनोलीन, तो क्या होगा, रिडक्शन ना अल्कोहल स्टेज तक नहीं जाएगी, वो पहले ही रुक जाएगी एल्डिहाइड स्टेज पर ही, और हमारे पास एल्डिहाइड बन जाता है और एक HCl निकल जाता है। दो हाइड्रोजन थे, एक यहाँ लग गया और एक Cl के साथ निकल गया। इसको बोलते हैं रोजनमंड रिडक्शन। हमको अपने कैटलिस्ट को पलेडियम BaSO4 जो है ना उसको हम पॉइजन कर देते हैं विद सल्फर या क्विनोलीन। एग्जाम्पल देखो, CH3C डबल बॉन्ड ओ सी एल हाइड्रोजन के साथ बना लेता है CH3CH। ऐसे ही हम इससे
बेंजाल्डिहाइड भी बना सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ किया ये, तो बन जाएगा बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। इस मेथड, ओके, ये सबको समझ में आया बच्चों? यस। अच्छा, अब इस मेथड से ना हम लोग सारे एल्डिहाइड्स बना सकते हैं एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के लिए समझो कि हमको फॉर्मेल्डिहाइड के लिए लेना पड़ेगा HC डबल बॉन्ड OCl, है ना, और उसको हाइड्रोजनेशन करेंगे ये अपने कैटलिस्ट, उसकी पॉइजन, तो हमारे पास बन जाएगा ये। बट ना ये कैन नॉट बी यूज्ड, क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल है, इसको हम नहीं यूज कर सकते हैं, हेंस दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन अक्कर नहीं कर पाता, क्योंकि ये वाली चीज HCOCl ना हाईली अनस्टेबल है, इसलिए हम लोग ये यूज नहीं कर सकते हैं। दिस इज अपना रोजनबंड रिडक्शन, नोट दिस डाउन। फिर हम लोग आगे चलते हैं रोजनबंड रिडक्शन के बाद एसिड हैलाइड से बनाने के लिए, ठीक है। एसिड हैलाइड से एक और तरीका है, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड हम लोग नहीं बना सकते यूजिंग दिस मेथड, ओके, नेक्स्ट, आगे चल रही हूं मैं। अब यूजिंग एसिड हैलाइड्स, एक तो ये तरीका है, एक और तरीका इज कि हम लोग जो हमारा एसिड हैलाइड है, तरीका नंबर टू है ना, जो एसिड हैलाइड है ना उसको थोड़ा बड़ा सा ही चाहिए मुझे, उसको हम ट्रीट कर देंगे लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो, लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी, टर्शरी ब्यूटॉक्सी मतलब ये ट्राई तीन, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है ना, ऐसे ये ले लिया है ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी हाइड्राइड, ये लेना पड़ता है इतना बड़ा। तो इससे जब हम ट्रीट करते हैं ना इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तब भी हमारा आर सी एच ओ बन जाता है, स्पेसिफिकली फॉर एल्डिहाइड्स पढ़ रहे हैं हम लोग, स्पेसिफिकली फॉर एल्डिहाइड। आपको याद रखना है ये वाली चीज सिर्फ एल्डिहाइड्स के लिए ही है, जो रोजनबंड रिडक्शन है, इसके बाद स्टीफंस रिडक्शन पढ़ेंगे, तो वो स्पेसिफिकली सिर्फ एल्डिहाइड्स के लिए ही है। एल्डिहाइड्स हम लोग बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसका अपना एग्जाम्पल में आप वापस फिर से वही ले सकते हो कि CH3CO Cl, ये लिख दिया तो अपना CH3CHO, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ नहीं करते रिएक्शन, वहां रिएक्शन नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसके साथ करते हैं, तो हमारा ठीक है, ओके। नेक्स्ट, दिस इज जो ये वाला लिखा ना सिर्फ नोट्स कंप्लीट करने के लिए, इसके ऊपर नहीं आता क्वेश्चन, मेन है रोजनबंड रिडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, वो आपसे क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि सल्फर या क्विनोलीन नहीं हो तो क्या होगा, अगर आपने सल्फर या क्विनोलीन नहीं लिखा होगा कि मतलब ये पॉइजन जो कैटलिस्ट का एक्टिविटी रिड्यूस करते हैं ये एब्सेंट होंगे अगर, तो फिर वो अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, तो हमको वो वाली चीज देखने कि अल्कोहल पॉइजन दे रखा है कि नहीं दे रखा है। अच्छा, ओके, नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट, इसके बाद जो रोजनबंड रिडक्शन है, इसके बाद नंबर टू जो नया नेम रिएक्शन स्पेसिफिकली फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है, वो है स्टीफन रिडक्शन। वो है स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन। इतनी देर से बाहर से आवाज आ रही थी क्या दूसरी क्लास की, कि कंफर्टेबल था?
आई थिंक कोई नहीं बोले तो कंफर्टेबल ही होगा, नहीं आ रही थी शायद आवाज। चलो खैर, जो स्टीफन रिडक्शन है ना बच्चों, ये वाला हम लोग यूज करते हैं नाइट ट्रायल्स के लिए। नाइट ट्रायल्स होते हैं आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन। नाइट ट्रायल्स क्या करते हैं हम लोग, जैसे हमारे पास कोई नाइट्राइल है CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है। इसका नाम हमारा कौन बताएगा, इसका नाम क्या होगा, इथेन नाइट्राइल या फिर एसिटो नाइट्राइल, ठीक है। ये है हमारे पास, इसको हम लोग ट्रीट करेंगे SnCl2 10 क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और उसके बाद वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस, देन वी विल गेट CH3CHO एंड अमोनिया गैस इज रिलीज्ड, ठीक है। इसका मैं मेथड समझाती हूँ। होता क्या है, जो SnCl2 है इसका मैकेनिज्म समझना। मैकेनिज्म क्या, एक स्टेप में ही है सिर्फ एक्चुअली वैसे तो, कि SnCl2 है ये, इसके पास जब भी हम इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के टू मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं तो ये जो 10 है ना Sn, ये SnCl4 बना लेता है। तो इसने Sn+2 स्टेट में था ये SnCl2 में, और यहाँ पर ये Sn+4 बन गया। इसका मतलब इसने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, तो इसने जो दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए उसको हम लिख देते हैं ऐसे, दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए प्लस ये दो Cl तो चले गए, दो H+ बचे हुए, ये दो H+ बचे हुए। अब ये जो दो H+ और दो इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए है ना, दिस इज आर Step 1। Step 2 ये क्या करते हैं, इस CH3C ट्रिपल बॉन्ड N इसके पास आते हैं ये दो इलेक्ट्रॉन्स। कैसे आते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N है, एक पाई बॉन्ड को नाइट्रोजन पर शिफ्ट करो, कार्बन पर आया डेल्टा पॉजिटिव, नाइट्रोजन पर आया डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। मतलब कार्बन नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, नाइट्रोजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन का लालची, उसने पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट किया, कार्बन पर आया पॉजिटिव चार्ज और फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन से जाकर जुड़ गए, तो बन गया CH3 पे दो इलेक्ट्रॉन, लिख देती हूँ हाँ ऐसे करती, दोनों के दोनों उसी पर जा रहे हैं, डबल बॉन्ड N और नाइट्रोजन पर भी दो इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, क्योंकि जो पाई बॉन्ड था दो इलेक्ट्रॉन से बना है, दोनों के दोनों नाइट्रोजन ने ले लिए, ये ऐसे करके जुड़ गया। अब ये जो पहले तो दो इलेक्ट्रॉन आ गए, अब ये जो दो H+ आयंस थे, इन दोनों एक H+ आयंस को देखते हैं, अरे यहाँ पर ये कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन रख लेगा, एक हाइड्रोजन ले लेगा और CH बन जाएगा। ऐसे ही इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन रख लेगा, एक हाइड्रोजन लेगा और NH बॉन्ड बन जाएगा। तो हमारे पास ये ऐसे करके बन गया NH, ठीक है। ये हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड NH बन गया और इसको हम बोलते हैं इमाइन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज इमाइन, ठीक है। और इसका एग्जैक्ट नाम बोलूं तो एसिटल्डिमाइन, एसिटल क्योंकि एसिटल उससे बना है, एसिटल्डिमाइन ये अपना है। अब जब आप इसकी Step 3 इसकी आप करोगे हाइड्रोलिसिस CH3CH डबल बॉन्ड NH, इसकी आपने करी हाइड्रोलिसिस तो एक पे आप H+ दोगे, एक पर OH-, तो वो भी बता देते हैं वो कैसे होगा। फिर से पाई बॉन्ड को आप ऐसे करके शिफ्ट करोगे नाइट्रोजन के ऊपर, तो इस पर प्लस और इस पर माइनस,
H3O+ है अगर, तो आप उसको H+ और OH- में तोड़ लो, तो पॉजिटिव वाले पे OH- जोड़ोगे तो CH3CH, कार्बन पर OH जोड़ोगे और सिंगल बॉन्ड N आ चुका है NH, और इस पर हाइड्रोजन जोड़ोगे NH2। अभी ये ऑक्सीजन ऐसे करके करेगा नाइट्रोजन NH2 माइनस, तो मैं इसको दूसरे पेन से कर देती हूँ। ओके हाँ, तो होगा क्या बच्चों, नाइट्रोजन बोलेगा कि मैं को तो आई एम अ गुड लीविंग ग्रुप एज NH2 माइनस, तो ये NH2 नेगेटिव बनकर निकलेगा, मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन तो रखा ही, कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन भी ले गया। ये ऑक्सीजन बोलेगा कि मैं ऐसे करके अपने लोन पेयर दे देता हूँ, तो यहाँ पर बन जाएगा, मैं नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ, लेट मी कॉपी दिस। कंट्रोल सी, सो मुझे ना टर्मिनल पे टेक्स्ट आ रही, कंट्रोल वी, हाँ ओके। सो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, ये एनएच नाइट्रोजन जो है ना अपना इलेक्ट्रॉन और ये वाला दोनों लेकर निकला, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जैसा आएगा, तो ऑक्सीजन बोलेगा मैं अपने लोन पेयर दे देता हूँ, तो यहाँ बन जाएगा सी एच थ्री सी एच, वो अपने दे रहा है तो इस पे प्लस, और NH2 माइनस, तो अब ये हाइड्रोजन बोला कि O पर प्लस चार्ज है, तो फिर मैं अपने इलेक्ट्रॉन देके निकल जाता हूँ, एंड दिस विल फॉर्म CH3CH डबल बॉन्ड O, और ये जो H+ निकला ना ये इससे जुड़कर बना लेगा NH3, ऐसे अपना एल्डिहाइड बन गया। मैं एक बार वापस रीकैप कर देती हूँ, आई होप एकदम कंफ्यूजन ना हुआ हो बच्चों, मैकेनिज्म इतना ज्यादा भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब समझने के लिए बस ऐसे ही समझा रही थी कि सिंपल सा मैकेनिज्म है। SnCl2 लेते हैं 10 क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl पहले स्टेप में, और फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं। SnCl2 क्या करेगा, HCl देखकर वो SnCl2 SnCl4 बना लेगा, तो यहाँ पर 10 प्लस 2 स्टेट में था, प्लस 2 से प्लस 4 में चला गया, तो दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए इसने, तो वो दो इलेक्ट्रॉन्स मैंने इधर लिख दिए, दो क्लोरीन तो यहाँ चले गए, दो एच प्लस बचे हुए, तो वो भी मैंने यहाँ लिख दिए। अब उठाओ अपना ये वाला इथेन नाइट्राइल, तो ये क्या कर रहा है, मिथाइल साइनाइड भी कहते हैं हाँ, तो ये क्या कर रहा है, इधर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में पाई बॉन्ड है, नाइट्रोजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव वो इलेक्ट्रॉन का लालच करेगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, तो कार्बन पे प्लस आ गया, नाइट्रोजन पे नेगेटिव आ गया। कार्बन पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हुई, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास चले गए, तो सी पे दो इलेक्ट्रॉन्स, डबल बॉन्ड एन, और नाइट्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन्स कौन से, ये वाले पाई बॉन्ड वाले, तो ये बन गया। अब इस पे क्या करो, ये दो एच प्लस जो है ना वो जोड़ दो, वो दो एच प्लस ने देखा कि अरे कार्बन पे भी दो इलेक्ट्रॉन्स है, नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, दोनों पर है, तो इससे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। कैसे, हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, प्रोटॉन है, एच प्लस है, तो कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने रखा एक हाइड्रोजन ने, और ऐसे, वेरी गुड, इमाइन बन गया। ये जो इमाइन बना, अब इसकी आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, कैसे करोगे, कार्बन नाइट्रोजन फिर से पाई बॉन्ड है, नाइट्रोजन ने बोला मैं पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर डालूंगा, कार्बन पे प्लस नाइट्रोजन पे नेगेटिव, ये एच प्लस ओ एच माइनस जोड़ो, तो इस पे प्लस है तो इस पे ओ एच लगा दो, और इस पे माइनस है तो इस पे एच लगा दो, ये बन गया। अब इसको हाँ ये बना लिया हमने, अब एनएच टू जो है एनएच टू माइनस के फॉर्म में इज अ गुड लीविंग, ये NH2- निकला, ये कार्बन पे प्लस चार्ज आया, ऑक्सीजन ने लोन पेयर्स दिए प्लस, और ये अपना एल्डिहाइड बना लेगा, इसको बोलते हैं हम स्टीफन रिडक्शन।
स्टीफन रिडक्शन जिससे हम एल्डिहाइड्स बना सकते हैं. ये एक तरीका हो गया एल्डिहाइड्स बनाने का, ठीक है. और इसके बाद अनदर तरीका स्टीफन रिडक्शन. स्टीफन रिडक्शन के एक दो एग्जांपल्स लिख देती हूँ, डायरेक्टली आप मुझे प्रोडक्ट बता देना. हाँ, एग्जांपल नंबर टू, CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, और डायरेक्टली लिख रही हूँ SnCl2 HCl H3O+. टेल मी द प्रोडक्ट. एग्जांपल नंबर थ्री, हम इसके अंदर ये भी ले सकते हैं. और फर्स्ट केस में क्या बनेगा, सेकंड केस में क्या बनेगा बच्चों? प्रोपेनल. प्रोपेनल, वेरी गुड. और तीसरे वाले में बेंजोनाइट्राइल है, बेंजाल्डिहाइड. अच्छा, है ना. सिंपली कुछ नहीं करना, जो सी ट्रिपल बॉन्ड एन है ना, उसको तोड़कर उसकी जगह वहां पर सी एच ओ कर दो. बस एल्डिहाइड बनाने का तरीका है. जब भी आपको एस एन सी एल टू या एच सी एल दिखे तो आप ये वाला रिएक्शन कर दोगे. दो हमने पढ़े, एक था रोजनमंड रिडक्शन. रोजनमंड रिडक्शन, और थोड़ा थोड़ा सा अगर आपको रोजनमंड रिडक्शन के लिए ना मैं उससे बताऊं, अगर जब भी हम लोग एल्कीन्स बनाते हैं, एल्कीन्स बनाने के अंदर भी हमने ये वाला यूज किया है. एल्कीन्स की जब हम रिडक्शन कर, सॉरी, एल्काइन्स, एल्काइन्स की रिडक्शन जब भी हम करते हैं ना, यहाँ पे बताती हूँ थोड़ा सा. यस मैम. याद आ गया उसमें लिंडलर्स कैटलिस्ट और बर्च रिडक्शन? यस मैम. है ना, किसने बोला ये यस मैम अभी? मैम अनन्या. अनन्या, वेरी गुड. उसको पता है मैंने याद करने की ट्रिक कैसे बना रखी है. आई विल टेल यू द ट्रिक. अपनी अपना कोई एल्काइन है, और एल्काइन की जब हमने रिडक्शन करी तो या तो हमको सिस एल्कीन मिलेगा या फिर हमको ट्रांस एल्कीन मिलेगा. यस मैम, सिस है ना. और सिस वाला होता है लिंडलर्स कैटलिस्ट. लिंडलर्स कैटलिस्ट वही है जो अभी लिखा, अभी यहाँ पर पैलेडियम BSO4 हाइड्रोजन और पॉइजन्ड विद, पॉइजन्ड को ना स्टार बना देते हैं ऐसे, पॉइजन्ड विद सल्फर या पॉइजन्ड विद क्विनोलीन, ठीक है. और इस वाले के अंदर होता है NaNH2, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, या फिर लिथियम इन लिक्विड अमोनिया. और इसको कहते हैं बर्च रिडक्शन. मुझे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता. हाँ, बर्च बोलते हैं कि बर्क बोलते हैं, पर इसको बर्च रिडक्शन. और ये लिंडलर्स कैटलिस्ट, मैंने इसको जब भी छोटी थी तो मैंने ऐसे याद किया था, बिट्टू लस्सी. बिट्टू मतलब बर्च, रिडक्शन में ट्रांस, बी से बर्च और ट्रांस, बिट्टू. और यहाँ पे याद किया था लस्सी, लिंडलर्स कैटलिस्ट का, लिंडलर का ल और सिस का सी, लस्सी. बर्च रिडक्शन, एल्काइन से अगर हमको एल्कीन बनाना हो, कौन सा भी चाहिए, सिस चाहिए या ट्रांस चाहिए, तो हम लोग ऐसा करके यूज करते हैं. आपको मतलब अगर अच्छा लगे तो नोट डाउन कर लेना, दिस कैन हेल्प यू, ठीक है. ओके, चलो. हाँ, अभी ये हो गया, ये हो गया स्टीफन रिडक्शन कर लिया हमने. अब स्टीफन रिडक्शन के साथ साथ ही जो हमारे नाइट्राइल्स हैं, एल्काइल नाइट्राइल्स, जैसे कि इसी का एक और सेट बता रही हूँ बस. जैसे हमारे पास कोई भी एल्केन नाइट्राइल्स है, उसको अगर हम ट्रीट करें डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड,
डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तब भी हमको ये आर सी एच डबल बॉन्ड एन एच देता है, और उसको जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं वॉटर की प्रेजेंस में वी विल गेट एल्डिहाइड, और ये डी आई बी ए एल एच डाई आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल होता है ये, आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम, इसके दो हाइड्राइड, एल्यूमिनियम की तीन वैलेंसी होती ना, तो एक और दो इससे डाई आइसो, इसका नाम लिख देती हूँ डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जब हम लोग अल्काइल नाइट्राइल को ट्रीट करते हैं तो हमको ये मिलता है, और इसका द बिगेस्ट एडवांटेज व्हाई वी प्रेफर टू यूज, लेट मी राइट दिस डाउन लाइक दिस, व्हाई वी प्रेफर टू यूज दिस इज दैट डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड डज नॉट रिड्यूस डबल बॉन्ड्स, मतलब अगर हमारे पास कोई कंपाउंड दे रखा हो ऐसे सी एच सी सी एच डबल बॉन्ड सी एच और फिर मैंने आपको सी ट्रिपल बॉन्ड एन दे दिया, तो जब हम उसको डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट करेंगे ना तो वो डबल बॉन्ड तो इंटैक्ट रहेगा, डबल बॉन्ड को कुछ नहीं होगा, सिर्फ सी एन वाला ग्रुप ही रिड्यूस होगा, ये डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का फायदा ये रहता है, और इससे हम लोग इसको हम रिड्यूस कर एल्डिहाइड बना सकते हैं। क्लियर बच्चों, सबको समझ में आया? अरे आज तो बड़ी देर हो गई, आज से भी 8:40 हो गए, मैं तो सोच रही थी आज ये भी खत्म कर दूंगी अपना, मैं तो सब प्रिपरेशन पक्का खत्म हो जाए। चलो खैर मैं आगे बढ़ रही हूँ फिर फटाफट से, नेक्स्ट है हमको मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब अगर मुझे स्पेसिफिकली मैं बात करूं बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए, तो बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए ना, ओके बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए तो मैं लिख रही हूँ फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक वाले जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनसे भी हम एल्डिहाइड बना सकते हैं, और एरोमेटिक है तो एरोमेटिक वाले से हम वो वाले बनाएंगे, इनकी नंबरिंग अच्छे से कर दें, यहां से था मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर वन ये वाला रोजनमंड, रोजनमंड का ही दूसरा पार्ट, फिर ये इसको टू को ऐसे करके लिख देते हैं टू और इसको कर देते हैं थ्री, ठीक है फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, सो सबसे पहला इसके अंदर नंबर वन यूजिंग सी आर ओ टू सी एल टू, और बच्चों इसको कहते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, सी आर ओ टू सी एल टू को कहते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, इसमें हम क्या कर रहे हैं हम लोग लेते हैं टॉलीन, ये सी एच थ्री टॉलीन, और इसको ट्रीट करते हैं सी आर ओ टू सी एल टू क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है इन द प्रेजेंस ऑफ सी एस टू, ये हमारा सॉल्वेंट है, तो हमारे पास बनता है सी एच, इसके दो हाइड्रोजन निकाल देना यहां से और इधर ऐसे ऐसे करके बनाना ओ O CR CL2 CR CL2 और एक OH OH और फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास बन जाता है CH, yes.
टॉलिन से हम लोग बेंजाल्डिहाइड बना सकते हैं यूजिंग दिस. और जो ये है ना, इसका ब्राउन कलर का जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स होता है. दिस इज अ ब्राउन कलर का क्रोमियम कॉम्प्लेक्स. ब्राउन कलर का क्रोमियम कॉम्प्लेक्स होता है. थोड़ा सा इसको अलग से भी बता देती हूँ कि होता क्या है उसके अंदर रिएक्शन. देखो, हमारे पास ये होता है, नेक्स्ट पेज पे बता रही हूँ बच्चों. थोड़ी सी मुझे स्पेस ज्यादा चाहिए तो मैं नेक्स्ट पेज पे बता रही हूँ. यस मैम. ये है ऐसे, ठीक है, CH3. इसको हमने ट्रीट किया CrO2. बच्चों आप लोग की, ओप्स, ये क्या हो गया? हाँ, आवाज क्यों हल्की हल्की आती है? CrO2Cl2 के साथ ट्रीट किया तो CrO2Cl2 का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, CrO2Cl2. और इसके हम दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं, तो बस ऊपर कर देती हूँ और एक और बना लेते हैं, CrO2Cl. दो हमने क्रोमाइल क्लोराइड लिए. अब जो हमने दो क्रोमाइल क्लोराइड लिए ना, यहाँ पर दो तीन हाइड्रोजन है, तो तीन हाइड्रोजन जो है ना उसको ऐसे करके लिख लो आप, CH, और फिर इसी कार्बन के साथ दो एच और. अब एक एच इस ओ के साथ जोड़ो, ये अपना पाई बॉन्ड तोड़ लेगा, और एक एच इसके साथ जोड़ो, ये अपना पाई बॉन्ड तोड़ लेगा. ठीक है, ये ऐसे करके हुआ. ऐसे ही इसका भी एक पाई बॉन्ड तोड़ो ऐसे, और इसका भी पाई बॉन्ड तोड़ो ऐसे. तो देखो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट बनाकर बताती हूँ पहले. ठीक है, ये अपना, इसका मैकेनिज्म इतना जरूरी नहीं है, बस बता रही हूँ. लेकिन ये कार्बन एक एच तो इसके साथ निकल गया, ठीक है, ये एच जो है इसके साथ निकल, कार्बन जो है इस ओ के साथ बॉन्ड बनाता है, इस वाले ओ के साथ ये कार्बन बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन इधर ओ के साथ बॉन्ड बनाता है, तो इधर ये ओ और ये ओ, जो ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स हमने वहां लिखा था, CrCl2. CrCl2, और ये जो OH जो जुड़ा हुआ था ना, वो OH लिख दो ऐसे, और इधर भी CrCl2 और ये OH ऐसे करके. ये H उसके पास अलग है, कार्बन जो है इधर ऐसा बॉन्ड फॉर्म कर लेता है इसके साथ, कार्बन इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है, और क्रोमियम पे यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर होते हैं, ये ऐसे. ये अपना ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है, ब्राउन कलर का क्रोमियम कॉम्प्लेक्स. होता क्या है, क्रोमियम और ऑक्सीजन का जो है ना पाई बॉन्ड टूटता है होमोलिटिकली. ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्रोमियम ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इधर भी ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्रोमियम ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया. अब इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो इस हाइड्रोजन के साथ कर लेगा, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड भी यहाँ पर मैं दिखा दूं, अंडू और ये वाला बॉन्ड भी ऐसे करके टूट जाता है, ये वाला बॉन्ड भी, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है. तो ये कार्बन इस O से बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन इस O से बॉन्ड बना रहा है, H इस O के साथ निकल गया, एक एच दूसरे वाले इसके साथ निकल गया, ये अपना कॉम्प्लेक्स बनता है. अगर नहीं भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्टली आपको एक कॉम्प्लेक्स बनाना है. ब्राउन कलर का इसका कॉम्प्लेक्स होता है. इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, वॉटर के साथ ट्रीट करते हैं, तो ये HH इसके साथ दो वाटर मॉलिक्यूल्स के, जो दो हाइड्रोजन है ना, दो मॉलिक्यूल्स लेंगे इधर वाटर के, तो एक एच इधर आता है, एक एच इधर, तो हमारे पास बन जाता है CrCl2OH द होल ट्वाइस. तो ये अपना निकल गया, और इधर बन जाता है बेंजीन पे CHO. ठीक है,
तो ये अपना फाइनली बेंजल्डिहाइड बन जाता है. बेंजल्डिहाइड से अपना मेन है कि अपना बेंजल्डिहाइड फॉर्म. इसी के अंदर इसको हम बोलते हैं, इसका नाम है इटार्ड रिएक्शन. ये नेम रिएक्शन है. आ गया यार ये थोड़े थोड़े बच्चों ने पढ़ भी रखा होगा शायद, जो अपने 12th पास बैच है. इटार्ड रिएक्शन. यस मैम. है ना, गुड. इटार्ड रिएक्शन, ठीक है, ओके. आगे बढ़ रही हूँ मैं. इटार्ड रिएक्शन के बाद अनदर इज नंबर टू तरीका. नंबर टू तरीका इज यूजिंग CrO3, जिसको हम बोलते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड. क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3, इसके अंदर भी हम लोग बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं. टॉलीन लिया, टॉलीन को ट्रीट किया विद CrO3, CrO3 के साथ ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO होल ट्वाइस O, एसिटिक एनहाइड्राइड. ठीक है, ये अपना है एसिटिक एनहाइड्राइड. ये और फिर CHO COCH3 बनता है. इसका मैकेनिज्म भी थोड़ा सा बता देती हूँ. वो COCH3 बनता है और फिर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो फिर बन जाएगा CHO. बच्चों आज की क्लास में बोर तो नहीं हो गए? बहुत बोरिंग बोरिंग लग रही है मुझे. शायद सब लोग एकदम चुप चुप बैठे हुए हैं. सूरज वेलकम, तुम देर से क्यों आए? और सब लोग आज चुप चुप से हैं. मैं इसके लिए ऐसा बता देती हूँ होता कैसे है. हम लोग ये सबको समझ में आ गया होगा आई होप. मैं इसके अंदर यहाँ पर भी फिर से ऐसे डायरेक्टली बता रही हूँ. इसको ऊपर इसको हटाओ. मैकेनिज्म हमारे पास टॉलिन था, बेंजीन है, बेंजीन के साथ CH और फिर से दो हाइड्रोजन हमने लिख दिए. अब ये जो CrO3 जो है ना, उसके साथ हमने लिया है एसिटिक एनहाइड्राइड. एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे होता है, इसको मैं यहाँ पर पहले ना एक लाइन खींच देती हूँ जिससे कि मैकेनिज्म और उसके अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे. अब ठीक है, थोड़ी सी इसको शिफ्ट कर लेते. परफेक्ट. चलो हमने यहाँ पर लिया एसिटिक एनहाइड्राइड. एसिटिक एनहाइड्राइड होता है ऐसा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3. और ऐसे ही एक और एसिटिक एनहाइड्राइड लिख लो, ये C डबल बॉन्ड O CH3. दो एसिटिक एनहाइड्राइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं. अब एक H और यहां से क्या हुआ, ये H इधर से निकालो, ये वाला H इधर से निकालो और ये वाला बॉन्ड ऐसे करके होमोलिटिकली टूटेगा और आप बना दोगे CH और यहां से OCOCH3 और इधर OCOCH3. ऐसे ये वाला OCOCH3 के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेता है कार्बन. ऐसे ही ये वाला कार्बन OCOCH3 के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेता है. ये CH3CO बच गया. CH3CO इस H के साथ जुड़कर CH3CO जो ये वाला बच गया वो CH3CH.
और ये वाला जो है इधर सी एच सी सीओ जो बचा, तो दो इथेनल बन जाते हैं। देखो बच्चों, ये वाला होमोलिटिकली तोड़ो बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होमोलिटिकली तोड़ो, फिर इस कार्बन को आप जोड़ दोगे ओ सीओ सी एच सी के साथ, ये कार्बन को ओ सीओ सी एच सी, एक तरह से एक तरह का एस्टर बना रहे हो, ठीक है, इधर ऊपर भी और नीचे भी ओ सीओ सी एच सी, ऐसे करके जोड़ दिया। ये सी एच सी सीओ बचा ना, उसको सी एच सी सीओ को मिल गया ये वाला एच, और उसने इथेनल बना लिया। ये समझ में आया करीना, मनोज, निशांत, अनन्या, ठीक है? आई गेस सब लोग बोर सब लोग एकदम चुप चुप है ना, एकदम बोर बोर लग रहे हैं मुझे आज, कह रहे मैम बहुत बोरिंग बोरिंग पढ़ा रहे हो आज। ठीक है चलो, मैं ये बस लास्ट पढ़ा रही हूँ, उसके बाद बंद कर दूंगी, जिससे कि तुम लोग एकदम पक के एकदम कहो कि नेक्स्ट टाइम तो हमें आना ही नहीं पकता एकदम। चलो ये बन गया हमारा सबसे पहले, इसके बाद आप इसकी कर दो हाइड्रोलिसिस, इसकी आपने हाइड्रोलिसिस करी तो फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करने पर इधर हो जाता है सी एच ओ और सी एच टी सी ओ ओ एच, सी एच टी सी ओ ओ एच, दो उसके मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं। आई होप सबको समझ में आया हो, क्रोमियम ट्रायऑक्साइड, ठीक है। अब इसके बाद एक बचा है गेटरमैन कॉश रिएक्शन, वो भी बता दूं तो मेरे ना एल्डिहाइड्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो जाएंगे। चलेगा? सब लोग के साथ चुप चुप है आज, भूख लग रही है सब लोग को, 9 बज रहे, डिनर टाइम हो गया, बीच में खाते हो नहीं खाते हो, आधे घंटे का ब्रेक मिलता है। आज फॉर सम रीजन ना आवाज अच्छी नहीं आ रही। डिनर कर लिया हमने, डिनर कर लिया, हो गया, गुड 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 गुड। अच्छा रात को कितने बजे तक जगते हो पढ़ाई करने के लिए? 2-3 बजे तक पढ़ते हो कि ऐसा? 12 बज गए, चलो अब सोने का टाइम हो गया, सो जाओ, सर्दियां मना रहे हैं, आजकल ठंड हो रही है, रजाई में बैठ के सो रहे हैं सब लोग। बच्चों आज चलो फटाफट से करते हैं, मेरा ना एल्डिहाइड्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा। नंबर 3 है गेटरमैन कॉश रिएक्शन, गेटरमैन कॉश, के ओ सी एच, गेटरमैन कॉश रिएक्शन, ठीक है। गेटरमैन कॉश रिएक्शन में क्या है, हम लोग बेंजीन को ट्रीट कर रहे हैं विद सीओ एंड एचसीएल, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड CuCl, तो वो CHO, ये CHO ये बना लेता है। होता कैसे ये रिएक्शन, ये समझा देती हूँ थोड़ा सा। देखो हमको एक्चुअली तो जो है ना बेंजीन के अंदर ये A है, पहले मैं B पे बताती हूँ। अगर हमारे पास आपको ये वाला याद होगा, बेंजीन थी उसके अंदर हमने CH3 COCl ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और हमको COCH3 ऐसे करके मिल जाता है, अगर याद हो तो। इसका क्या नाम होता है बच्चों? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, करेक्ट? यस मैम, है ना, याद आ गया, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है, ठीक है। तो हमने CH3COCl ऐड किया, तो यहाँ पर भी हम एक्चुअली तो चाह रहे थे कि हमारे पास जो बेंजीन है ना उसमें HCOCl ऐड कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो हमारे पास CHO बन जाएगा, ठीक है। वहां पे COCHC लगता था, यहाँ H है, यहाँ पर H लग गया, बेंजाल्डिहाइड। पर ये HCOCl ना अनस्टेबल होती है, इसको हम ऐड नहीं कर सकते। yes, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, CO और कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl अलग से ले लेते हैं। तो उसलिए हमने इसको CO और HCl लिखा है। अभी CO और HCl रिएक्ट कैसे करेंगे, होता क्या है, ऐसा C ट्रिपल बॉन्ड हो है, कार्बन मोनोऑक्साइड इस पर नेगेटिव और इस पर प्लस, ये रिएक्ट करता है HCl से,
तो ये जब भी HCl से रिएक्ट करता है, सो दिस कैन नॉट हैपन, अनस्टेबल. कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड से जब भी रिएक्ट करेगा तो H प्लस है, Cl माइनस है, H वहां चला गया, एच सी ये वाला बॉन्ड को रेड से दिखा देती हूँ, ये अपनी तरफ शिफ्ट करता है तो एच सी डबल बॉन्ड ओ और इस पर आ गया प्लस, और फिर ठीक है, और इसको डबल बॉन्ड ओ को ऊपर दिखा देती हूँ, चलो कोई बात नहीं, एक बार मैं मिटा देती हूँ. एच सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, ठीक है, और इस पर क्योंकि प्लस चार्ज था तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ शिफ्ट करता है और ये बना लेता है एच सी डबल बॉन्ड ओ, इस पर प्लस, और अब सी एल माइनस जुड़ता है और वो बन जाता है एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एल. तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एच सी ओ सी एल फॉर्माइल क्लोराइड जो है हमने इन सिटू प्रिपेयर किया है. अब ये एच सी ओ सी एल एल्यूमिनियम क्लोराइड जो ल्यूविस एसिड है उसके साथ रिएक्ट करता है. नेक्स्ट पेज पे दिखाई देती हूँ. तो एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एल जो है ये ए एल सी एल थ्री के साथ रिएक्ट करता है और बन जाएगा एच सी डबल बॉन्ड ओ प्लस और ए एल सी एल फोर नेगेटिव. ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल. और बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पर एच सी डबल बॉन्ड ओ प्लस, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है हमारा, ये बन जाता है बेंजाल्डिहाइड. ठीक है बच्चों, दिस इज गेटरमैन कॉश रिएक्शन. क्लियर एवरीवन? बस एक क्लास बता देती बच्चों, फिर क्लास ओवर कर लेते हैं. ठीक है, इसको मैं यहाँ से करना है. हाँ मैं अभी दिखाती बच्चा. अच्छा ठीक है, जब तक ये नोट करना है बस मैं लिख रही हूँ, बस मैं बोल रही हूँ. फ्रॉम फिनॉल्स, फिनॉल से भी हम लोग एल्डिहाइड बनाते हैं. कैसे बनाते हैं फिनॉल से हम लोग बेंजाल्डिहाइड, कैसे बनाते हैं? किसी को याद है फिनॉल से राइमर टाइमन रिएक्शन? राइमर टाइमन रिएक्शन में क्या किया था? सैलिसिलिक एसिड बनता है. हाँ, सैलिसिलैल्डिहाइड और सैलिसिलिक एसिड है ना. तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म होगा तो सैलिसिलैल्डिहाइड, और अगर वो होगा तो क्लोरोफॉर्म, CCl4 होगा तो क्लोरोफॉर्म.